इस्लामाबाद में जियो न्यूज के ऑफिस आए। अमरीका में मुकीम बचपन के दोस्तों डॉक्टर हसन उल अमीन, आजम खान और फजलुल्लाह से स्काइप के जरिए गुफ्तगू की। प्रोग्राम जिरगा की रिकॉर्डिंग से पहले प्रोडक्शन टीम के साथ मुलाकात की। सेनेटर मुशाहिद हुसैन उनसे मिलने आए। जब सीपैक शुरू हुआ तो मैं चेयरमैन था पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सीपैक। हमारा जो हज़्ब मामूल है ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो फाइलें छुपा के रखते थे। इन्होंने हकायक मंजर लाए और फिर ख़ास तौर पे जो मगरबी रूट है, मैं तो कहता हूँ ये मगरबी रूट के ये खालिक है। पिछले दिनों सीपैक मीडिया फोरम एक एनुअल इवेंट होता है चीन और पाकिस्तान के दरमियान सहाफत के हवाले से और ख़ास तौर पे जो चीन और पाकिस्तान सीपैक के हवाले से, उसमें इनको हाईएस्ट अवार्ड मिला चाइना की तरफ से फॉर द बेस्ट बुक जो ऑन सीपैक जो ये किताब है। और ये फिर इन्होंने एम्बेसडर को भी और चाइनीज जो जर्नलिस्ट आए थे उनको प्रेजेंट की, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में आए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा उस दिन मेहमान थे। गुस्से वाले हैं, जिद का अंसर भी है, गैर जानबदारी भी अक्सर खो देते हैं, तो बाद में जानबदारी पर जब लोग तनकीद करते हैं गुस्सा आता है या सोचते हैं मेरे से भी कुछ गलती हुई। ज़ाहिरी बात है कि वो फितरत में तो एक कबाइलियत है। बहुत कोशिश की आप जैसे लोगों को आइडियल बना के उनसे सीखने की भी, और अभी भी अपने साथ एक फाइट मेरी जारी रहती है कि गुस्से पे और ज़िद पे काबू पा सकूं। लेकिन इंसान कमज़ोर है तो फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है। ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा फ़ैसला किया जिस पर बाद में पछताए हों? एक जो खामी जिस पे मैं काबू पाने की भरपूर कोशिश के बावजूद नहीं पा सका वो है अपने जज्बाती होने पे। तो जज्बात में या गुस्से में अमूमन जो फैसले किए हैं बाद में उस पे पछतावा तो होता है। पीटीआई के लोग अक्सर आपके कालमों और प्रोग्रामों पर आपको गालियां देते हैं, क्या आप गोली या गाली से नहीं डरते? नहीं सुहेल साहब, एक तो ये है कि ज़ाहिरी बात है कि सारी ज़िंदगी इस में गुज़र गई कि अब गोली आई और गोलियों का सामना करते हुए बचपन से लेके अभी तक, तो वो जब आप हर वक्त गोली के लिए तैयार हो तो गाली तो फिर उसकी बनिस्बत बहुत मामूली चीज़ बन जाती है। हाँ वो एक बात है कि बाज़ लोगों ने ऐसे किए हैं या ऐसी गाली, मसलन मैं कहता हूँ कि काश एक बंदा गोली मार देता लेकिन मेरी माँ को गाली ना देता, मेरे लिए शायद वो गोली सहने से अपनी माँ के लिए गाली सुनना वो ज़्यादा तकलीफ दे है। जो पीटीआई का मामला है तो मेरा ज़मीर उस पर मुतमईन है पहले दिन से, बल्कि मेरी इमरान ख़ान साहब के बारे में पहले दिन से एक शूरी राय थी। और फिर जिस तरीके से मैनेजमेंट करके उनको लाया जा रहा था तो मैं उसको मुल्क के लिए दुरुस्त नहीं समझ रहा था। तो इमरान ख़ान साहब और तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में जो मेरा नुक्ता नज़र था पहले दिन से वो शुरी था, और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ मैं उस पर और भी मुझे इत्मीनान कल्ब उस पर हासिल होता जा रहा है। पीटीआई वाले अक्सर अपने मुखालिफ सहाफ़ियों को लिफाफा कहकर पुकारते हैं, क्या आपको वाक़ईतन कभी लिफाफे की पेशकश हुई? ये अजीब इत्तेफाक है कि मुझे जब पेशावर में
बिल्कुल इब्तदाई रिपोर्टर था, तो उस वक़्त वो इक्विटी बैंक एक था, उसकी ख़बर मेरे पास आ गई थी। तो उन्होंने वही ज़िंदगी में पहली मरतबा, उस वक़्त मेरे पास कार वगैरह नहीं थी और कुछ भी, और मैं बसों में फिरता था, तो उन्होंने उस ख़बर को रुकवाने के लिए मुझे पेशकश की थी, कार की भी और चेक भी लाए थे साथ। उसके बाद फिर ये शायद रिपोटेशन हमारी ख़राब हो गई, तो वो दिन और आज का दिन किसी ने लिफाफा पेश करने की या उसकी जरूरत नहीं की, बल्कि किसी ने घर पे अली जैदी के घर पे जिस तरह छोड़ा है, तो हमारे घर पे आज तक किसी ने लिफाफा छोड़ा भी नहीं है। तो आपने उनको क्या जवाब दिया बैंक वाला? वो तो नहीं कर सका ना, वो तो खबर मैंने छाप दिया ना उसका। आपका लिबास अक्सर मुनफरिद होता है, नित नई जैकेटें और कोट पहनते हैं, आपके पास कुल कितने वेस्ट कोट और कोट हैं? मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, क्योंकि मैं जो चीज़ें कुछ दिन पहन के फिर वो फारिग हो जाती हैं। फारिग कहाँ हो जाती हैं? बस घर वाले किसी को दे देते हैं। कि एक वक्त में कितने होते हैं घर में? वो चीज़ें कभी भी 8-10 से ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो फिर इसका मतलब है नए से नए खरीदते रहते हैं? नहीं, तो जो हो जाती हैं इस्तेमाल में वो फिर कितनी दफ़ा, एक दफ़ा इस्तेमाल करके दे देते हैं? ना 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 ना, कई कई मरतबा, बल्कि मेरे पास बाज़ ऐसे भी हैं, जूते भी आपको ऐसे मिलेंगे कि जो शायद 5-6 साल से हैं। लोगों को शक है कि आपके पास सैकड़ों वेस्ट कोट है? तो लोगों को तो बहुत कुछ शक है। अच्छा, इसमें भी मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि मैंने कभी कोई ब्रांडेड चीज़ इस्तेमाल नहीं की है, तो मेरे कपड़े भी बड़े नॉर्मल रेट में बनते हैं, मेरा कोट भी बड़े नॉर्मल रेट में बनता है, और मेरा जूता भी बड़े नॉर्मल रेट में बनता है। मैंने कभी 10,000 से ज़्यादा कीमत का जूता नहीं पहना है। आप शेर व शायरी पसंद करते हैं, आपका पसंदीदा पश्तून और उर्दू शायर कौन है? उर्दू में तो पसंदीदा मेरे अहमद फराज हैं, और पश्तो में पसंदीदा शायर हमारे रहमत शाह साहिल हैं, गनी खान हैं, आजकल अल्लाह उनको ज़िंदा रखे एक शायर है हमारे फजल सुबहान आबिद हैं। आम तासुर तो ये है कि पख्तून लड़ाके हैं, ज़िद्दी हैं, खाना जंगी यहाँ होती रहती है, मगर दूसरी तरफ शायरी का जज्बा भी बतरजा उत्तम मौजूद है। ये लताफत और दूसरी तरफ इतनी सख्ती, ये तो खुला तजाद है। मेरे ख्याल में पख्तूनों के बारे में जो कुछ है ये 99% मिथ्स हैं, वो पॉजिटिव सेंस में हों या नेगेटिव सेंस में हों। जो पख्तून मैं जानता हूँ, पख्तून बुनियादी तौर पर दो चीज़ों का मजमुआ है, एक पख्तून मिजाजन शायर है, दूसरा पख्तून इंतहा पसंद है, एक्सट्रीमिस्ट है। और यही वजह है कि हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने पख्तून कौम को सही रास्ते पे लगा दिया या सही रास्ते पे जाने का मौका उनको दे दिया, तो शायद फिर इस मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए सिर्फ वो काफ़ी होंगे। घर वापस आए, घर पर दोस्त अहबाब और नामवर शख्सियात को डिनर पर मधु किया, ईदगाह शरीफ के पीर नकीबुर रहमान और उनके साहबजादे पीर हसन हबीबुर रहमान, क्रिकेटर शुएब अख्तर, तालिबान मुज़ाकरात के अहम किरदार मौलाना फजलुर रहमान खलील और कश्मीरी रहनुमा अब्दुल्ला गिलानी उनके मेहमान थे। रात के खाने में देसी मुर्गी, मछली कोरमा, पुलाव, करेले, कीमा और कस्टर्ड से तवाज़ो की गई।